हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए, आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के। देखिए, सब्जेक्ट जो होगा हमारा अप्लाइड मैथ थर्ड होगा और एक्सरसाइज हमारी 2.4 होगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4 हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि देखिए इसमें हमारा संगत और असंगत के बारे में बात होगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा कि मतलब प्रूव करने को। ठीक है, मतलब कहेगा कि दिखाइए कि संगत है या असंगत। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन आप कर देंगे एग्जाम में। ठीक है, तो एक एक अगर क्वेश्चन आपने देख लिया संगत असंगत के, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो 5 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, देखिए यदि क्या हो, पी ए जो हमारा हो और ये क्या हो, पी ए रेशियो भी, इसको बोलते हैं आवर्धन। ठीक है, यहाँ पर इस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो, ठीक है, वैसे तो रेशियो दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अगर दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारा संगत है। ठीक है, अगर ये हमारा दोनों क्या हो, मतलब ये हमारा डज नॉट हो, मतलब इक्वल ना हो, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये असंगत की कंडीशन हो जाती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर याद रखेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट है, कह रहा है निम्न समीकरणों को, निम्न समीकरणों की क्या करना है, संगतता की हमको जांच करनी है। ठीक है, और ये आपको इक्वेशन दी हुई है, तो इन इक्वेशनों को पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन जो दी गई इक्वेशन है, इनको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। मैट्रिक्स फॉर्म, देखिए मैट्रिक्स फॉर्म, तो मतलब देखिए यहाँ पर ए एक्स बराबर बी, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, ए एक्स इक्वल टू बी होती है। और ए एक्स, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ए की वैल्यू हमारी क्या है, इसका देखिए एक्स का कॉफिशियंट है, वाई का कॉफिशियंट और जेड का कॉफिशियंट। यहाँ पर हमारा एक्स का कॉफिशियंट 1 है और वाई का 1 है और जेड का भी 1 है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है। इस प्रकार से आपको सारा कुछ वैल्यू पुटअप करनी है, तो ये हमारी ए की वैल्यू है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो देखिए एक्स को तो हम एक्स वाई जेड लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये देखिए वैल्यू निकलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा बी क्या है, तो बी देखिए राइट साइड में दिया हुआ है, जो इक्वल के इधर है। ठीक है, राइट साइड में -3 है और -2 है और 7 है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो इसको हमें क्या करना है, एगुमेंटेड फॉर्म में लिखना है, यानी संवर्धित रूप में इसको हमको लिखना है, किसको, इस इक्वेशन को। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, एगुमेंटेड फॉर्म जो होता है, ये हमारा ए आवर्धन बी होता है, या कह सकते हैं ए एगुमेंटेड बी। ठीक है, याद रखेंगे, तो उसकी, तो देखिए हमें क्या करना है, अब संवर्धित रूप में इसे लिखना है। ठीक है, तो ए हमारा ए संवर्धन बी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो दी हुई है, ठीक है, ए की वैल्यू हमारी ये थी, हमने एज इट इज लिख दिया है, उसके बाद संवर्धन लगाया है। यहाँ पर देखिए संवर्धन लगा हुआ है, उसके बाद ये जो हमारी है ये बी की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारी बी की वैल्यू है, तो हमने बी की वैल्यू भी एज इट इज लिख दी है। ठीक है, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज, यहाँ पर देखिए अगर हम कहें तो ये हमारा एलिमेंट जो होगा ये हमारा शून्य होना चाहिए, यही हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इस पर हम क्या करें, रिएक्शन लगा दें, रिएक्शन लगाने के बाद हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमने रिएक्शन लगाई R2 - 3R1, ठीक है, R2 replace R2 - 3R1, R2 हमारा देखिए ये है और -3R1, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करके इससे इसको घटा देंगे। ठीक है, याद रखेंगे, तो ये हमारा देखिए क्या बन जाएगा, ये देखिए हमारा बन गया, यहाँ पर ये हमारी ये देखिए R2 को हमने चेंज किया, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, ये भी हमारा एज इट इज रहेगा, बाकी इसमें हमारा क्या हो गया, चेंजमेंट हो गया इस रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे, तो अब दूसरी बार हमने रिएक्शन क्या लगाई, R3 replace R3 - 2R1। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो चेंजमेंट आया वो क्या आया, तो R3 को हम चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा ये दोनों एज इट इज रहेगा और इसमें देखिए हमारा चेंजमेंट ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारा ये पूरा उसको हमने एज इट इज लिख दिया जैसे लिखा हुआ था लास्ट में। ठीक है, अब फिर से हमने रिएक्शन लगाया क्या, R3 replace R3 + R2। ठीक है, तो यानी हमने क्या किया, ये देखिए जो R3 है ये इसको हमने क्या किया, R2 से यहाँ पर देखिए R2 से हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 0 हो गया और ये भी हमारा 0 हो गया, -2 + 2, इसके लिए -+ हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बल्कि हमें 1 0 ए भी मिल गया है, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये कटा हुआ है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, जब हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारा कन्वर्ट हो गया है पूरा, ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पी ए निकाल लेंगे, पी ए, ठीक है, और यहाँ से ही हम क्या करेंगे, पी ए आवर्धन या एग्यूमेंटेड बी भी निकाल लेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो हमारा क्या होगा, ये संगतता की जांच हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जो पी ए हमारा है ये हमारा दो है, क्यों दो है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखिए अशून्यों की संख्या, अशून्यों की संख्या जो होती है, मतलब जिसमें क्या हो, शून्य ना हो, ठीक है, तो किसमें शून्य नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ठीक है, बाकी इसमें तो शून्य है, तो याद रखेंगे। और हमको जब पी ए निकालना है तो हमको इतना ही देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू थी, ये हमारी बी की वैल्यू थी, ठीक है। तो देखिए पी ए जो होगा हमारा क्या हो गया, पी ए हमारा दो हो गया अशून्यों की संख्या, और जो हमारा पी ए देखिए पूरे को अब देखना है, पी देखिए यहाँ पर पी ए हमारा कितना हो गया था, दो हो गया था, और पी ए आवर्धन या एग्यूमेंटेड बी हमारा कितना हो गया, देखिए तीन, ठीक है, याद रखेंगे तीन, ठीक है, क्योंकि देखिए तीन है, एक दो और तीन, मतलब जो अशून्यों की संख्या है, ठीक है, तो ये हमारा तीन हो गया, यानी देखिए तीन कहाँ, देखिए एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये हमारा पी ए हमारा दो हो गया था, और पी बी हमारा पी ए एग्यूमेंटेड बी जो हमारा था वो तीन हो गया, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, डज नॉट है, ठीक है, मतलब ये हमारा बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः दिया गया समीकरण क्या है, निकाय संगत नहीं है, ठीक है, यानी संगतता की जाँच नहीं हुई, ठीक है, तो याद रखेंगे ये हमारी संगतता की जाँच नहीं हो रही है जो इक्वेशन दी थी। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, तो देखिए दिखाएं कि निम्न समीकरण क्या है, असंगत है, असंगत का मतलब जो डज नॉट हो जाए दोनों, पी ए पी पी जो पी ए है और पी ए, ए मतलब जो हमारा एग्यूमेंटेड बी है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये इक्वेशन दी है, वही आपको प्रोसेस फिर से लगाना है कि हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हमने किया जैसे ही, तो हमारा ये बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, देखिए जहाँ पर हमारा क्या है, देखिए यहाँ इसको हम बोलते हैं जहाँ का ये हमारा साइन है, ठीक है, जहाँ ए बराबर क्या है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इसको हम एग्यूमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं, किसमें, एग्यूमेंटेड फॉर्म में, ठीक है। अब एग्यूमेंटेड फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं ए एग्यूमेंटेड बी, ठीक है, तो ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमारी बी की वैल्यू है, तो अब हम इसमें रिएक्शन लगाकर हम इसको क्या करें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने जब रिएक्शन लगाया तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, R3 रिप्लेस R3 प्लस R2, ठीक है, तो ये हमारा चेंजमेंट हुआ। अब जब हम सेकेंड रिएक्शन लगाएंगे R2 रिप्लेस R2 माइनस 3R1, ठीक है, वो आपको अपने अनुसार लगानी है, ठीक है, ताकि हमको क्या हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये हमें जीरो मिल जाए तीनों, ठीक है। तो देखिए जब हमने ये दूसरी रिएक्शन लगाई तो हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया, ठीक है। अब हम जब क्या लगाएंगे, R2 को रिप्लेस किया तो हमने R2 माइनस 3R1 लगाया, तो हमारा ये चेंजमेंट मिला और ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अभी क्या हुआ, कन्वर्ट नहीं है, ठीक है, पूरी तरह, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 दिख रहा है, ठीक है। अब फिर से हमने रिएक्शन लगाया, क्या रिएक्शन हमने लगाया, R1 रिप्लेस 10R1 माइनस R3, ठीक है, तो ये हमें मिला, अब भी हमारा 10 यहाँ पर मामला गड़बड़ा रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या करें, अब रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, देखिए जो प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, मैट्रिक्स जो हमारा होता है इसको हम चेंजमेंट मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए R1 को हमने रिप्लेस कर दिया R3 से R3 को R1 से, तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है, ठीक है, तब हमारा ये क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट हो गया है। अब ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, तो ये हमारा पी ए जो हमारा है यहाँ पर, देखिए पी ए अगर हम देखें तो पी ए बराबर हमारा कितना है, देखिए यहाँ पर पी ए जो हमारा, इसको हमको पूरे को देखना है, तो पी ए हमारा क्या है, अशून्यों की संख्या, अशून्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए अशून्यों की संख्या जो हमें दिख रही वो तीन दिख रही है, ठीक है, और जो पी बी हमारा ये क्या है, ए बी अशून्यों की संख्या तीन ही है, यानी हमारा ये भी क्या हो रहा, जाँच नहीं हो रही है संगतता, ठीक है, मतलब ये बराबर है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे आप लोग लगा लेंगे, ठीक है।
तो देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हमको समीकरण दिया है, इक्वेशन कह रहा है दिखाएं कि समीकरण ये हमारा क्या है, असंगत है। ठीक है, तो असंगत के लिए हमें मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एगुमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे। एगुमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें रिएक्शन लगाएंगे, और रिएक्शन हमारी फर्स्ट है क्या, ये आर टू रिप्लेस आर टू माइनस थ्री आर वन। ठीक है, उसके बाद हमारा ये चेंजमेंट हुआ इसके इस रिएक्शन के थ्रू। फिर हमने रिएक्शन लगाया क्या, हम रिएक्शन क्यों लगा रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, यह इसको हमको जीरो करना है, इसी को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जब हमने रिएक्शन लगाई तो हमारा ये चेंजमेंट आया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमारा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो बस यहीं पर हमें स्टॉप हो जाना है। ठीक है, यहाँ से पी ए अगर हम देखें तो अशून्य संख्या कितनी है, दो है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब पी पी ए एगुमेंटेड बी निकालें तो अशून्य संख्या तीन है, यानी ये हमारा क्या है, असंगतता की जांच, मतलब ये एक कह सकते हैं कि असंगत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा, हाँ तो देखिए पी ए यहाँ पर पी ए डज नॉट, पी ए इजक्वल टू डज नॉट, मतलब पी ए डज नॉट, हमारा पी एगुमेंटेड बी है और कह रहा है दिया गया समीकरण क्या है, हमारा निकाय असंगत होगा। ठीक है, याद रखेंगे ये हमारा इसको प्रूव हो गया है। तो ये हमारा देखिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फोर, और कह रहा है निम्न समीकरणों को, मतलब निम्न समीकरण संगतता की जांच कीजिए, और तथा यदि संभव हो, मतलब अगर संगतता संभव है, संगत है, तो इनका हल भी कीजिए, मतलब वैल्यू भी निकालिए। ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन दी है तीनों, और इसको हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम एगुमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं यहाँ पर देखिए। उसके बाद अगर हम कहें हमने रिएक्शन लगाना है, रिएक्शन लगाने के बाद हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। रिएक्शन देखिए हमने इसको दोनों को रिप्लेस कर दिया है, उसके बाद हमने रिएक्शन लगाई आर टू रिप्लेस माइनस टू आर वन, फिर हमने लगाया आर थ्री रिप्लेस आर थ्री माइनस थ्री आर वन, तो उसके बाद हमारा ये इसमें मिला हुआ है। अब हमें एक जीरो यहाँ पर भी होना चाहिए, तब जाके हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर माइनस चार है। तो देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे, तो देखिए फिर इसके बाद हमें इसमें ये हमें हमारा आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने लगाया इसमें क्या रिएक्शन, आर थ्री को हमने माइनस फोर से डिवाइड कर दिया। अब जब हम आर थ्री को माइनस फोर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बन गया, ये बन गया। तो अब हम इसको सेवन आर थ्री रिप्लेस सेवन आर थ्री प्लस आर टू करेंगे तो हमारा बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से पी ए बराबर तीन हो गया और पी बी बराबर भी तीन हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा, इसलिए ये दिया गया निकाय समीकरण क्या है, ये संगत है। ठीक है, अतः इसके अद्वितीय हल होंगे। अब जब संगत है तो याद रखेंगे इसके अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अब प्राप्त हुआ संवर्धित आव्यूह, यानी एगुमेंटेड जो मैट्रिक्स है इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में फिर से लिख दिया है। याद रखें, मतलब जो हम किसको हमने लिखा, इसको देखिए, इसको, ठीक है, इसको हमने लिखा है मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान देंगे, आप क्वेश्चन को फिर से नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद ये हमारी ए की वैल्यू हो गई और एक्स वाई जेड तो आपको ऐसे लिखना है, ये हमारी बी की वैल्यू जो आ गई, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा ये आया हुआ है, तो ये हमें बी की वैल्यू, ये हमारी पूरी ए की वैल्यू, ये बी की। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है, इसका मल्टीप्लाई हुआ एक्स से पहले तो हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा इसका वाई से हुआ तो फाइव प्लस का फाइव वाई हो गया, इसके बाद ये हमारा प्लस का सेवन जेड हो गया, इक्वल में पंद्रह हो गया। इसी प्रकार से इसका करेंगे तो देखिए ये तो जीरो हो जाएगा एक्स का, माइनस सेवन वाई हो गया देखिए। ठीक है, उसके बाद माइनस टेन जेड हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए जीरो है। ठीक है, अब जीरो हमारा ये तो दोनों हमारा जीरो हो गया, ये हमारा फोर जेड हो गया, इक्वल में ट्वेल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जब हमारा 12 हो गया है, ठीक है, तो ये हमारी तीनों इक्वेशनें निकल गई हैं। यहाँ पर देखिए 4z इक्वल टू 12, यहाँ से z की वैल्यू जो है हमारी क्या आ गई, देखिए तीन आ गई। ठीक है, अब ये z हम यहाँ पर रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हम दोनों की वैल्यू रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ध्यान से क्या करना है, अब हमें लगाना है, मतलब इक्वेशन जो हमारी थी, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन हमारा, मतलब इक्वेशन थर्ड से जो कि हमने देखिए बताया हुआ है कि यहाँ से जेड की वैल्यू आ गई, अब हम इसको सेकंड में रखेंगे जेड की वैल्यू तो हमारी वाई की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए
अगर हम y और z की वैल्यू रख दें तो हमारी यहाँ से x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो यही कह रहा था कि अगर संभव है तो हमको वैल्यू दिखाइए, तो वैल्यू आ गई, ठीक है। x की हमारी कितनी आई देखिए, ये x की हमारी 4 आई और y की -2 आई और z की 3 आई है। अब देखिए हम 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्न समीकरणों की मतलब समीकरणों क्या करना है, संगत मतलब दिखाना है, उसके बाद हम मतलब जांच करना है तथा इसको हम क्या करना है, अगर संभव है तो इसका भी हल करना है, ठीक है। जिस प्रकार से अभी हम किए हैं 4 नंबर क्वेश्चन, तो ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमें आर्गुमेंटेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए कि एगुमेंटेड फॉर्म में जब हमने इसको लिख लिया है एगुमेंटेड फॉर्म में, उसके बाद हमने रिएक्शन लगाई कुछ, ठीक है। कुछ रिएक्शन लगाने के बाद हमें रिएक्शन देखिए हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए लगानी है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो रिएक्शन लगाएं फर्स्ट, तो हमारी क्या है आर टू रिप्लेस 5R2 - 3R1, उसके बाद हमारा जो चेंजमेंट आया वो हमारा ये आया। दूसरी जो रिएक्शन हमने लगाई R3 हमको चेंज करना है, R3 रिप्लेस 5R3 - 7R1, ठीक है। तो ये आई, उसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमारा 11 दिक्कत दे रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 होना चाहिए जहाँ -11 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दिमाग लगाया कि R2 को हम रिप्लेस कर दें मतलब डिवाइड कर दें 11 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 11 है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए R2 को हमने किया है, देखिए किसको R2 को, यहाँ पर देखिए R2 को, इसको 11 से हमने डिवाइड किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, 11 का हमने डिवाइड कर दिया है मतलब 121 को 11 आ गया। अब हम क्या करेंगे R3 को रिप्लेस करेंगे R3 + R2, मतलब इन दोनों को माइनस प्लस को जोड़ देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब हमारा कन्वर्ट हो गया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब हम क्या करेंगे PA और PB की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो PA बराबर यहाँ से क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। उसके जो हम PB अगर देखें तो PB बराबर में हमारा 2 ही आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है संगत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखना है आपको, दिया गया समीकरण निकाय क्या संगत है किंतु अज्ञात चरों की संख्या जो है वो 3 से क्या है मतलब 2 से क्या है बड़ी है, मतलब 3 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। तो यानी कोटि अगर इसके लिए हम कहें कि इनफाइनाइट हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, जिस प्रकार से अभी आप लिखे थे। अब देखिए हम बात करते हैं इसके वैल्यू, तो देखिए अब वैल्यू इसकी क्या आएगी किस प्रकार से, तो देखिए प्राप्त हुए जो संवर्धित आवयव इसको हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट वाला जो आपको आंसर में मिला है, ठीक है, जो आंसर में मिला उसको हमको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ना कि क्वेश्चन मतलब प्रश्न वाला जो हमें दिया था इक्वेशन उसको, ठीक है। तो याद रखेंगे, यही कन्फ्यूजन होती है, इसी में आप गलती करते हैं, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट इसी में गलती होती है, ठीक है। तो देखिए इसको हमें क्या करना है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें इसको इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। इक्वेशन कैसे, इसको देखिए इससे मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया, उसके बाद प्लस का 3y हो गया, इसके बाद प्लस का 7z हो गया, इक्वल में 4 है, ठीक है। उसके बाद इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं नीचे सेकेंड रो का, तो सेकेंड रो हमारे ये 0 हो जाएगी, ये माइनस मतलब प्लस का 11y हो गया, उसके बाद माइनस का z हो गया, इक्वल टू में 3 हो गया। उसके बाद ये तो हमारा ऑलरेडी 0 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड करने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, हमको करना है क्योंकि देखिए अगर हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, ये आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिली हुई है, जिस प्रकार से अभी क्वेश्चन नंबर 4 में मिली हुई थी, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा जेड इक्वल टू में के, ठीक है। तो जेड इक्वल टू में जब के करेंगे तो जेड इक्वल टू में के देखिए तो करेंगे तो हम क्या क्या होगा, देखिए चूँकि R3 क्या है, R3 हमारा 0 है पूरा का पूरा, तीनों हमारा 0 था R3, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसलिए हमने इसको क्या किया है K माना है, याद रखेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको हम K मानेंगे तो क्या किया, तो जेके जेड बराबर K इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में रख देंगे तो देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में जेड बराबर K रखना है, तो देखिए तो ये हमारा हो गया 11y - k = 3। उसके बाद देखिए वाई जो वैल्यू यहाँ पर हम जो वाई की वैल्यू निकाले तो वो हमारी क्या निकल गई, k + 3/11, ठीक है। अब ये हमारा हो गया वाई की वैल्यू, इसी प्रकार से अगर हम देखें तो हम जेड की वैल्यू मतलब यहाँ से दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो जेड बराबर के जो है वाई तथा वाई का मान हम क्या करें इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, यानी वाई की और जे की वैल्यू जेड की वैल्यू हम रख दें इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा।
तो देखिए जो हमने इसको रख दिया पूरा पूरा, देखिए इस प्रकार से आपको रखना है, ठीक है। जब आप रख देंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिए कितना आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए। सॉल्व करने पर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, देखिए हम यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन बनी। अब अभी इसको हम क्या करते हैं, पाँच से क्या कर दें, भाग दे दें, पाँच से भाग दे दें, या कह सकते हैं मतलब वो कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया हमारा, ये हमारा पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच यानी 11x हो गया, और प्लस का 16k हो गया, इक्वल टू में क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 5 सत्तर 35, उसके बाद देखिए यहाँ से अगर हम 11x बराबर क्या हो गया हमारा, 11x बराबर माइनस का 16k और प्लस का 7, ठीक है। ये प्लस वाला था तो इधर आया, माइनस का हो गया तो माइनस हो गया। अब देखिए एक्स की वैल्यू जो आई माइनस का 16k प्लस 7 अपॉन 11 आ गई, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू हो गई फाइनली, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये पूरी की पूरी आपकी यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमें आंसर लाना था। उसके बाद देखिए अगर आप लोग क्या इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एक आप संगत वाला लगा ले क्वेश्चन, ठीक है, इसी से रिलेटेड, और एक असंगत वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।